मैं किसानों को सपोर्ट करूंगा, पार्टी में एक कड़ी बनूंगा। क्यों नहीं मानेंगे जी? ज्वाइन ये नहीं को मेरे से मानेंगे, हम जो उनकी डिमांड होगी वो पूरी करवाएंगे, जो पंजाब की डिमांड होगी वो पूरी करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हमारी वहाँ कोई सुनता नहीं, क्षेत्रीय पार्टी आपस में ही करती है, आगे नहीं लेके आती बातें, वो लेके आएंगे। मेरे को बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये जो मसले हैं, जो टिकेट जी का मसला है या यूपी का या बाकी हैं, वो मसले धीरे सब हल हो जाएंगे। आज हमें उम्मीद है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमें आगे लेके जाएगी। हमें और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की मंशा है कि जो भी तरीके की, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट देश की किसानों की, मजदूरों की है, उसके ऊपर जैसे ये तीन बिल वापस लिए गए हैं, तो ये इससे पार्टी की मंशा जाहिर होती है कि वो किसानों के साथ या मजदूरों के साथ है, उनको किसानों का दर्द है। ये पंजाब से काफी सारे लोग बीजेपी में आज शामिल हुए, बीजेपी ऑफिस में है, यहाँ पर इन लोगों का स्वागत किया गया है। सवाल आप कर लेते हैं इनसे। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अभी ये आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इस पर आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन जो चल रहा था और सरकार की मेहनत से उनके साथ में खत्म हो गया है। किसान ने अपने कानून तीन वापस ले लिए हैं, पूरा पंजाब का जो कानून है, जो किसान है, वो वापस घर जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा माहौल। पंजाब के किसान वापस जा रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत पूर्वांचल के जो पूर्वांचल यूपी के जो किसान है, संयुक्त किसान मोर्चा कहा जाता है कि अभी वो नहीं मान रहे हैं, उन पर आप जैसे किसान धीरे जिनके काम समस्या हो रही है, वह समय वापस सब घर जाएंगे। और देखिए, कुछ जो कुछ में मल मिल रहे हैं, जो दिल में कुछ सवाल हैं, वो सब खत्म होंगे। जैसे हमारे कमलजीत सिंह जी हैं, करनैल सिंह जी हैं, हमारे विजय सिंह जी हैं, हमारे करम सिंह जी हैं, ये हमारा एक संगठन है। और हमें आज देखिए, आज हमने बात ये करनी है कि जो रुकावटें जो हमारे हिंदुस्तान की तरक्की में कम आ रही थी, जो रुकावटें थी, आज हमने ज्वाइन करके, सब ने ज्वाइन करके वो रुकावट दूर करना है। एक अच्छे को भारत को जगह देनी है, देना फेस देना हमने, ताकि हम दुनिया में कह सकें हाँ हम अच्छे भारतवासी हैं। और जो 73 साल में चल रहा है, जब 60 साल चल रहा है, आज हमने और अच्छा बन के दिखाना है कि हमारा दुनिया में नाम हो। आप लोग ये बात मान रहे हैं, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान ये बात मान रहे हैं, आप राकेश टिकैत पर क्या कहेंगे जो अभी तक अड़े? वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि बिल वापस हो गए या फिर MSP पर गारंटी के। इस बारे में मैं ये जो बात कहना चाहूँगा कि एक ऐसा मुद्दा है जो मैं काफ़ी चल रहा था, एक ये बात कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी जो हैं, उनका एक उनके अपने क्वेश्चन होंगे, अपने सवाल होंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, तोमर जी ने जैसे ये हल किया है मसला को, वैसे वो भी हल हो जाएगा। आज खुशी का माहौल चलने दी है और धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट अ ओवरनाइट गेम। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अभी बिल वापस लिए हैं, तो ये क्या किसानों के साथ है? भारतीय जनता पार्टी आप मानते हैं कि अभी जो माहौल है उसके हिसाब से बीजेपी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है? जो तीन बिल वापस लिए हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अब किसानों में चल पड़ी है, उस दौर में चल पड़ी है कि किसानों को अपने साथ लेंगे और आगे चलेंगे। और मेरे को बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये जो मसले हैं, जो टिकैत जी का मसला है या यूपी का या बाकी हैं, वो मसले धीरे सब हल हो जाएंगे। सरकार भी कह चुकी है कई बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ने भी कहा था समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, ठीक है समय। देखिए समय जैसे भी लगा, पर तीन कानून वापस हो गए, उसके बाद में जो बाकी जो समस्याएं वो भी हल हो जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो सकती, तो वो बातचीत में मिल मिला के सब बातें रहूँगी। और मेरा पूरा इस पर विश्वास है कि बहुत जल्दी ये जो मसला है जो किसानों का हल हो जाएगा और सब घर वापस जाएंगे। जो बिल, तीन बिल थे, वापस हो गए, किसान वापस जा रहे हैं, और जो बाकी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी हल हो जाएंगे। धीरे धीरे अब सब ठीक होना शुरू हो गया है। अच्छा, बीजेपी में आप शामिल हुए हैं, क्या आपका जो माइंड है वो चेंज हुआ, किस वजह से आप बीजेपी में आना? देखिए, मैं बीइंग अ इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी भारत के आत्मविश्वास को लेकर आगे लेके जाएगी, विकास भी लेके जाएगी, हम उसके साथ होते हैं। चाहे देखिए आज हम शामिल हुए हैं, लेकिन पहले हम किसी पार्टी में थे, ये कोई मसला नहीं है कौन किस पार्टी में था, लेकिन आज हमें उम्मीद है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमें आगे लेके जाएगी। हमें और किसानों के लिए काम करेगी, आगे लेकर जाएगी, देश के लिए, किसान के, देश के लिए। किसान देखिए मुझे याद है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, लालू शास्त्री थे, उनका नारा था जय जवान जय किसान। तो जो देश का जवान और किसान जय होगा ना, तो देश तरक्की करता जाएगा। तो अब ये जो काम वापस लिए हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करनैल सिंह है। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की मंशा है कि जो भी तरीके की, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट देश की किसानों की, मजदूरों की है, उसके ऊपर जैसे ये तीन बिल वापस लिए गए हैं,
तो ये इससे पार्टी की मंशा जाहिर होती है कि वो किसानों के साथ या मजदूरों के साथ है, उनको किसानों का दर्द है। तो वापस होने के बाद थोड़ा सा आपको लगा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सब? यस, इस वाले हमें ये लग रहा था कि सरकार जो है बड़ी मतलब क्रूअल टाइप के, मतलब लोगों के, क्योंकि हम तो रोज सोशल मीडिया पे किसानों के देखते थे, कोई बरसात में बिगड़ा, कोई कुछ कर रहा है, कुछ है, तो हमें अंदर से थोड़ा फील होता था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल वापस लिया तो हमें लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से काउंटर चेक हो रही है और सुधार की बात हो रही है, ये हमें बड़ी अच्छी लगी बात। मकसद यही था कि हमें ये बात समझ में आई, अच्छी लगी कि पार्टी की मंशा क्लियर है। का ये मकसद था जैसे बिल वापस होंगे तो हम लोग ज्वाइन करेंगे बीजेपी? हम लोग ज्वाइन कर चुके। मतलब आपने पहले ये सोचा था क्या इससे पहले? यस इट इज, हम देखो कोई भी आदमी, कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप, चाहे कोई कोई भारतवासी, जिसको भी जहाँ बेटरमेंट नजर आएगी तो बेटरमेंट की तरफ वो प्रोसीड करेगा ही करेगा। मेरा सवाल यही था, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, आपने क्यों सोचा उसमें ही आने? एक्शन देखने को मिल रहा है, काम देखने को मिल रहा है, एक्शन देखने को मिल रहा है, अदरवाइज तो पार्टी तो पार्टी है। तो मुझे लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से बाकी सारे ऑल ओवर इंडिया में सारा काम हुआ, पंजाब में भी अच्छा काम होगा, तो अंदाता है किसान बींग, हम लोगों भी किसान के पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है, किसान बैकग्राउंड, तो किसान अंदाता उसकी सुनवाई हुई है। मेन मकसद ये है कि अगर बनिया जो है अपनी माचिस का MRP ले सकता है तो उसको भी MSP मिलनी चाहिए। ये भी अगर गवर्नमेंट उनके MSP काम कर देती है तो सरकार जो किए हुए काम उसको और चार चांद लग जाएंगे। 4 दिसंबर को जो मीटिंग होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, इसमें ये लोग डिसाइड करेंगे कि आंदोलन को खत्म करना है या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे कि आप लोग भी मीटिंग में शामिल रहेंगे, क्या आप लोग भी डिस्कशन करेंगे? मैडम ये जो डिसीजन है ना कि मीटिंग आंदोलन खत्म होगा कि नहीं होगा, देखो जो भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम, मान लो मेरे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है तो जब उसका इलाज हो जाता तो उस प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रहती। अब कोई बेस तो होना चाहिए ना मेरे को एजिटेशन करने के लिए, या कोई बात मेरे को होनी चाहिए कि मैं इस काम के लिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। जब मेरी नाराज़गी दूर कर दी गई उसके बाद तो मेरा नाराज़ होना जायज़ नहीं ना, तो फिर पब्लिकली भी, तो मेरे हिसाब से ये सब सोल्यूशन हो जाएगा, अच्छा सोल्यूशन होगा। बीमारी का जब हल निकल गया है तो ये चीज़ मैं फिर से वही पूछना चाहूँगी, राकेश टिकैत जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैडम हम लोग जैसे हम लोग 10 लोग हम लोग कोई एजिटेशन को हम चला रहे हैं, अब 2 या 3 या 4 आदमी को अगर कोई चीज़ मतलब उनके मैसेज कन्वे हो गया है, मे बी उनको मैसेज कन्वे ना हुआ हो, या मे बी वो चाहते हो कि मेरे को और इसको थोड़ा प्रॉम्प्टली और अच्छा तरीके से इसको हम लोग अपनी बात को ले लें, तो इस तरीके से मतलब मैं समझता हूँ ये वाला हल हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। राकेश टिकैत जी या जो भी और हमारे किसान नेता हैं सारे, वो जब आगे बढ़ के इसके ऊपर आएंगे तो ये सोल्यूशन होना ही है, क्योंकि पार्टी की मंशा क्लियर है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपसे मेरा सवाल यही है सर, जिस तरीके से अभी ये आंदोलन चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हल निकल गया है, जो बीमारी थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जो बैठे हैं, राकेश टिकैत जी बैठे हैं और उनकी डिमांडें हैं, उस पर आप? हमारे पंजाब के लिए, यूपी के लिए बहुत जरूरी था भाईचारा सांझ, वो हमारी सांझ खराब हो रही थी, हमारे रास्ते खराब हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही थी, उसका व्यापारी पे भी पूरा असर पड़ रहा था, ये बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हमारी वहाँ कोई सुनता नहीं, क्षेत्रीय पार्टी आपस में ही करती है, आगे नहीं लेके आती बातें, वो लेके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आए के लेके आएगी, हम उनके सेवादार बनेंगे, क्योंकि मैं अकाली दल का जनरल सेक्रेटर था, यहाँ से भी पोस्टें लेंगे और जो काम करने वाली पोस्ट होगी वो लेंगे, डमी पोस्ट नहीं लेंगे, और इलेक्शन लड़ेंगे कंट से, जलंधर छावनी से, ये सारी पार्टी ने मेरे साथ वायदा किया है। आगे मैं अकाली दल की तरफ से लड़ता, उदो भी साडा अलायंस सी, पर लेकिन अलायंस टूट गया, अलायंस टूट गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या लगता है पंजाब में विजयी होंगे? विजय होंगे। राकेश टिकैत जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं अभी, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी 26 जनवरी पर उनका एक बयान आपने सुना? कोई भी कंट्रास्ट बयान नहीं दूंगा, मैं किसानों को सपोर्ट करूंगा, पार्टी में एक कड़ी बनूंगा, समझौता कराने के लिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी राकेश टिकैत जी बात मानेंगे, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी तो मानेंगे बात? क्यों नहीं मानेंगे जी, ज्वाइन ये नहीं को मेरे से मानेंगे, हम जो उनकी डिमांड होगी वो पूरी करवाएंगे, जो पंजाब की डिमांड होगी वो पूरी करवाएंगे, इनकी कड़ी बनेंगे, उसमें फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने लेना होता है, पार्टी ने लेना होता है, बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू।